हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत सडन प्लान बनाया, वीडियो बनाने का डिसाइडेड नहीं था क्योंकि मैं शूट कर रही थी और फिर मुझे लगा कि मैं अपने मेकअप को क्लेंज करूंगी, तो आप लोग के साथ अपना क्लेंजिंग रूटीन शेयर कर लेती हूँ, जो नॉन स्पॉन्सर्ड क्लेंजिंग रूटीन है जो मैं रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ आई थिंक 1 or 2 years से। कैसे मैं अपने मेकअप को क्लीन करती हूँ और उसके बाद कौन से स्टेप्स आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगी, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में और ये सडन प्लान था, तो इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स मैं यूज करूंगी, कुछ अफोर्डेबल हैं कुछ नहीं है। जो अफोर्डेबल नहीं है और उनकी रिप्लेसमेंट में या उनकी ड्यूप की तरह मैं आपको कोई दूसरे प्रोडक्ट बता दूंगी जो अफोर्डेबल भी होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये प्लम का इल्यूमिनेंस क्लेंजिंग बाम, तो इससे मैं अच्छी तरह से अपने मेकअप को क्लेंज करूंगी। आप लोग को समझा देती हूँ मेकअप कैसे क्लेंज होता है। तो ये कुछ इस तरीके का इसका टेक्सचर है, काफी सारा मैंने यूज कर रखा है बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज अ नॉन स्पॉन्सर्ड रूटीन, तो मैं आपको लेके दिखा देती हूँ। खत्म तो हो ही गया है, तो ये कुछ इस तरीके के साथ इसका एप्लीकेटर आता है, तो अब मैं इसे लगा लूंगी। थोड़ा थोड़ा सब जगह हमें लगा देना है प्रॉपरली, आईज पे, लिप्स पे भी। मैं आप लोग को भूत जैसी लग रही हूँ कि पर मेकअप रिमूविंग बाम था, तो जैसे अपनी स्किन पे लगाते हैं आपके मेकअप को रिमूव कर देता है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। अब इसे वॉश कर देंगे, तो देख ही सकते हैं मैंने जो क्लेंजिंग बाम है उसे वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। अब आप देख सकते होंगे मेरे फेस पे अभी भी लाइनर और ये सब अभी भी है, थोड़ा मेकअप अभी भी बचा है, थोड़ा प्रोडक्ट है अभी भी, तो इसीलिए मैं उसे सेकेंड टाइम क्लेंज करने के लिए यूज करती हूँ ये बायोडर्मा का माइसेला वाटर। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है क्लेंजिंग में और ये माइसेला वाटर बहुत जेंटल है, हमारी स्किन पे बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी, अगर आप अफोर्डेबल पे जाना चाहते हैं देन आप गार्नियर का माइसेला वाटर भी यूज कर सकते हैं, वो आपको 159 to 100 की एज में मिल जाएगा। तो क्लेंस करने के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये कॉटन पैड जो कि है ट्यूलिप्स के, आप देख सकते हैं 149 का 100 का सेट है, तो ये आप जरूर चूज कर सकते हैं, तो ये अफोर्डेबल कैटेगरी में आपको मिल जाएगा। तो इसमें से मैं एक लूंगी एंड उस पर मैं बायोडर्मा माइसेला वाटर यूज करती हूँ कुछ इस तरीके से, इससे मेकअप रिमूव करना है। तो गाइज आप अभी भी देख सकते हैं काफी सारा प्रोडक्ट स्टिल बचा हुआ था मेरे फेस पे, तो आप देख सकते हैं जो बाम हमने यूज करा उसके बाद भी हमें मेकअप रिमूव करने की जरूरत होती है, तो इसीलिए लोग रिकमेंड करते हैं कि आप डबल क्लेंजिंग करो, लेकिन मैं ट्रिपल क्लेंजिंग करती हूँ। आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ नेक्स्ट। तो तीसरे स्टेप के लिए मैं यूज करती हूँ ये रीयूजेबल कॉटन पैड, इसको आप वाटर के अंदर डिप करते हैं वार्म वाटर में एंड देन अपने फेस को क्लेंज करते हैं। इससे मस्कारा और लाइनर जैसी जगह या फिर काजल जो चीजें नहीं हटती हैं इजीली वो इससे हट जाएंगी। आपको अफोर्डेबल कैटेगरी में मिल जाएगा अर्थ रिदम का अराउंड 249 का 200 का मिल जाएगा और ये रीयूजेबल है, इसको आप 1000 बार से ज्यादा यूज कर सकते हैं। ऑफकोर्स आगे बढ़ने से पहले बता देती हूँ कि मैं तीसरी बार क्यों क्लेंज करती हूँ फेस को, ट्रिपल क्लेंजिंग क्यों करती हूँ, लोग डबल क्लेंजिंग बोलते हैं पर तीन बार मैं क्यों करती हूँ। काफी लोग कहते हैं कि मेकअप से हमारे फेस में एक्ने हो जाता है, जो कि सच नहीं है, क्योंकि मेकअप सिर्फ अगर लो क्वालिटी का हो तो ही एक्ने दे सकता है, बाकी मेकअप रिमूव नहीं होता तो उससे एक्ने होता है। तो इसीलिए आपको मेकअप को इंश्योर करना है अच्छी तरीके से रिमूव करें, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरह से रिमूव नहीं करेंगे देन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो मैं इसे गीला करके आ चुकी हूँ और आपको इतना ज्यादा गीला लेना है, ऐसे आप देख सकते हैं इतना ज्यादा अच्छी तरह से लगाना है, रब करना है, मिक्स करना है। आप चाहें तो इस पे अपना मेकअप रिमूवर यूज करके भी कर सकते हैं, अगर आप मेकअप ज्यादा नहीं करते तो कम मेकअप के हिसाब से ये अच्छा अल्टरनेटिव है। तो हमें लग रहा था मेकअप क्लेंज हो चुका है, आप अच्छे से देखिए इस पे कितना सारा मेकअप आ चुका है। तो क्लेंजिंग पैड को यूज करने के बाद मैंने अपना फेस वॉश कर लिया था, आप अपना कोई भी रेगुलर फेस वॉश यूज कर सकते हैं, मुझे ग्रीनबेरी का चारकोल फेस वॉश बेस्ट लगता है तो मैंने वही यूज करा, आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। जब मैंने मेकअप किया होता है तो शूट्स के टाइम पर मुझे क्या होता है कि काफी ज्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसीलिए मैं उसके बाद उसे हाइड्रेट करने के लिए शीट मास्क यूज करती हूँ। अब मेरे को सिर्फ दो ब्रांड्स पर्टिकुलर पसंद है शीट मास्क में, नायका एंड फेस शॉप, और भी ब्रांड सही है पर मुझे यही पर्सनली पसंद है, तो इनमें से मैं कोई सा भी यूज कर लेती हूँ। तो आज मैं पोटैटो वाला फेस शॉप का यूज कर लेती हूँ नायका का नेक्स्ट टाइम। काफी
काफी अच्छे होते हैं, आपको बिल्कुल इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। एक शीट मास्क यूजुअली आपको 100 रुपीज का मिलता है, पर कभी कभी नायका पे ऐसे ऑफर्स होते हैं कि आप 10 शीट मास्क खरीद सकते हैं 500 रुपीज में, यानी कि 50 रुपीज का एक हो जाता है, तो वो आपको 10 खरीदने पड़ते हैं, तो आप 500 में 10 शीट मास्क ला सकते हैं। तो इसे मैं रखूंगी अपने फेस पे 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद में हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। सो गाइस 15 मिनट्स हो चुके हैं, इसे मैं रिमूव कर देती हूँ एंड उसके बाद इमीडिएट प्रोसीजर होता है कि आपको इसे अपनी स्किन में अब्जॉर्ब करना है अच्छी तरीके से, हाइड्रेट करने के लिए अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए अपनी स्किन पे। उसके बाद यूजुअली प्रोसेस होता है अपने फेस को टोन करना, तो मैं प्लम का ही टोनर यूज़ करती थी पर ये रिसेंटली एक्सपायर हो चुका है, तो अब मैंने स्विच करा है रेजुश्योर के टोनर पे, फेस टोनर पे। तो टोनर को यूज़ करने का ये प्रोसीजर है कि आपको एक कॉटन पैड पे टोनर को अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, या अगर लिक्विड है तो उसे आप इस पे यूज़ करना है एंड धीरे धीरे लाइट हैंड से अपने फेस पर कुछ इस तरीके से डार्क करना है, बहुत लाइट हैंड से, कि आपकी स्किन को टोन करने में हेल्प करता है, इवन आउट करने में हेल्प करता है। मेरा फेस अच्छी तरीके से टोन हो चुका है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग। आप कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, मुझे सेटाफिल का मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा लगता है पर्सनली। जब हम मेकअप करते हैं तो आईज अंडर आईज को भी कंसील करते हैं, तो बहुत एरिया ड्राई हो जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा मेकअप के बाद अंडर आई क्रीम या जेल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छी है, बेला वीटा की अफोर्डेबल में मिल जाएगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं बेला वीटा ऑर्गेनिक्स की। एंड इसे हम एक बस मैं एक ड्रॉप लेती हूँ एंड देन इसे दोनों फिंगर्स से रब करके स्लोली इसे मैंने अंडर आईज पे लगा देती हूँ, ताकि अंडर आईज अच्छी तरह से हाइड्रेट हो पाए, जो थोड़ा सा ड्राइनेस थी अंडर आईज पे वो हट पाए। तो इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ लिप बाम, के अंदर सिर्फ बीट रूट का कलर है नेचुरल, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, दिस इज मिस नेचुरा, ये सिर्फ आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा इनका पेज। तो ये था मेरा क्लेंजिंग रूटीन। अगर दिन का टाइम हो रहा है तो आप डेली सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। अब भी दिन का टाइम हो रहा है तो मैं सनस्क्रीन भी लगाऊंगी, क्योंकि घर में भी मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे मैं घर से बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ दिन के टाइम पे। और रात को अगर आप क्लेंजिंग करते हैं मेकअप की, तो आप सनस्क्रीन अवॉइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। रिकॉइल की सनस्क्रीन मैं यूज़ करती हूँ, मुझे बेस्ट लगती है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट अगर आप अफोर्डेबल में जाना चाहें तो आप न्यूट्रोजेना की यूज़ कर सकते हैं, वो आपको आई थिंक 150 से 200 के बीच में मिल जाएगी। सनस्क्रीन को यूज़ करने का प्रोसीजर मैं बता देती हूँ आपको, ये पूरी आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इससे अच्छी तरीके से इतनी लेनी है आपको सनस्क्रीन, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको दो फिंगर्स लेनी है, पर अभी मैं घर में हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही ले रही हूँ। इसे मिक्स कर देंगे एंड अप्लाई करेंगे हमारी स्किन पे, क्योंकि डे टाइम है तो सन से प्रोटेक्शन भी चाहिए। हमेशा ये बात नोट करें कि सनस्क्रीन आपकी स्किन केयर का लास्ट स्टेप होगा, चाहे आप मॉइस्चराइजर हो, चाहे आपका टोनर हो, चाहे आपका सीरम हो, सबसे लास्ट सबसे एंड में जो चीज़ होगी वो आपकी सनस्क्रीन ही होगी, क्योंकि वही आपको सन से प्रोटेक्शन देगी। हर प्रोडक्ट को एकदम से एक दूसरे के ऊपर मत लगाते रहिए, लेयरिंग मत करते रहिए, एक दो मिनट का टाइम दीजिए हर प्रोडक्ट को आपकी स्किन में सेट होने का। तो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शो ऑल योर लव। एंड ये था मेरा क्लेंजिंग रूटीन नॉन स्पॉन्सर्ड, सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। सारे प्रोडक्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी और अफोर्डेबल ड्यूप्स तो मैंने आपको बताई दी है सब प्रोडक्ट्स के, जो अफोर्डेबल वेज में आप ले सकते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। बाय एवरीवन, आई विल बी कमिंग बैक विद मोर सच वीडियोस।